हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अनबॉक्स नॉलेज में। और आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक टेक्निकल वीडियो के साथ। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो हम वीडियो लाए थे वो कुछ हेल्थ से रिलेटेड थी और कुछ एक मैंने रिव्यू वगैरह दिया था एक कुछ बाइक वगैरह का। तो आज की वीडियो जो है हमारी टेक्निकल है, जो व्हाट्सएप से रिलेटेड है। व्हाट्सएप आप सभी यूज़ करते ही हैं। एक्चुअली व्हाट्सएप ने एक नया फीचर अभी अपडेट लाया है, स्टिकर फीचर। तो वैसे तो व्हाट्सएप में बाय डिफ़ॉल्ट स्टिकर रहते हैं, कुछ कार्टून वगैरह के कुछ एनिमेशन वगैरह स्टिकर रहते हैं। बट आज की ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप अपने खुद के कस्टमाइज व्हाट्सएप स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप अपना पिक भी लगा सकते हैं, अपने आप का आप एक व्हाट्सएप स्टिकर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे वो बनाएं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल तरीका है। कुछ एक स्टेप्स हैं, कुछ एक एप्लीकेशन से आप उनको डाउनलोड करिएगा और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा आप उनको फॉलो करिएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ। मैं एक चैट खोलता हूँ और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ स्टिकर का ऑप्शन। हम इसमें देखते हैं, हमें कोई अभी स्टिकर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है कहीं भी, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप शायद अपडेटेड नहीं है तो इसमें स्टिकर का ऑप्शन नहीं होगा। नहीं है, इधर भी नहीं है। चलिए ठीक है, हम एक बार प्ले स्टोर खोलते हैं और प्ले स्टोर में चेक करते हैं हमारा व्हाट्सएप अपडेटेड है या नहीं। तो हम टाइप करेंगे व्हाट्सएप और खुल रहा है ये, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है क्योंकि नेट स्लो चल रहा है। व्हाट्सएप दोस्तों हमारा अपडेटेड नहीं है। तो आपको व्हाट्सएप अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप का बीटा वर्ज़न नया है और उसको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसको स्किप कर देता हूँ और डायरेक्ट मैं डाउनलोडिंग के पेज पे आ जाता हूँ। थोड़ा स्लो चल रहा है ये। तो दोस्तों हमारा ये व्हाट्सएप बीटा वर्ज़न डाउनलोड हो गया है और ठीक है, हम अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्ले स्टोर खोलेंगे। आप प्ले स्टोर में टाइप करेंगे व्हाट्सएप स्टिकर आप टाइप करेंगे तो ये जो फोर्थ नंबर पे आ रहा है पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए इसमें ओपन दिखा रहा है। चलिए मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर बताता हूँ दोस्तों। दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारा, आप टाइप करेंगे बैकग्राउंड इरेज़र करके। तो आप प्ले स्टोर में इसको टाइप करेंगे तो बैकग्राउंड इरेज़र नाम से एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ये देखिए थर्ड नंबर पे आ रहा है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है इसलिए दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में और इसको करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। बैक करते हैं, इसको करने के बाद मैं ये एक सॉफ्टवेयर जो मैंने डाउनलोड किया था ये खोलता हूँ। यहाँ से एक फ़ोटो लोड करूँगा जिसको हमारा बैकग्राउंड इरेज करना होगा। मैंने अपना एक फ़ोटो लोड कर लिया है, इसको मैं बैकग्राउंड इरेज करके आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसे करूँगा। ऑटो मोड पे आप कर सकते हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड है बहुत ही ईजिली ऑटो मोड पे करके इरेज हो जाएगा। और देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको इरेज करना हो बैकग्राउंड आप वहाँ से इरेज कर सकते हैं। थोड़े बहुत पॉइंट अगर रह जाते हैं तो ये देखिए थोड़ा सारा पॉइंट अभी शायद रह गया है तो उसको भी मैं इरेज कर दूंगा। तो देखिए मैंने इरेज पूरा बैकग्राउंड कर दिया है और इसका मैं स्मूथनेस मैं 5 लेवल पे कर दूंगा ताकि और शार्प एजेस हो जाए मेरे पिक्स के। और मैंने इसको सेव कर दिया है, मैं यहाँ से फिनिश कर दूँगा। ऐड आ गया है और हमारा ये फ़ोटो PNG फाइल में सेव हो चुका है बट अभी भी व्हाट्सएप में शो नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें नीचे आते हैं, हमें सॉफ्टवेयर खोलना होगा जो हमने डाउनलोड किया था पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप। तो मैंने वो खोल लिया है, थोड़ा ओपन होने में टाइम ले रहा है ये, आई डोंट नो व्हाई। तो ये देखिए ये जो मैंने अभी बनाए हैं कुछ स्टिकर PNG फाइल यहाँ पर शो हो रहे हैं तो इसको मैं ऐड कर लूँगा अभी। तो मैंने इसको ऐड कर लिया है दोस्तों। देखिए आप इस तरीके से आप भी इसको ऐड कर लेंगे, बहुत ही ईजी है।
ऐड करने के बाद आप उसको बैक कर देंगे और वापस आ जाएंगे हमारे व्हाट्सएप में, वापस आएंगे फिर। चलिए देखते हैं अब हमारा ये स्टिकर शो हो रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों हमारे स्टिकर शो होने लगे हैं और जो मैंने कस्टमाइज स्टिकर बनाए थे वो भी शो हो गया है। देखिए दोस्तों मैंने ये सेंड कर दिया है एक स्टिकर उठाकर, और बहुत ही ईजी है, सेंड हो चुका है। आप ऐसे ही किसी को भी ये सेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप खुद से ही कैसे कस्टमाइज व्हाट्सएप स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। और ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा टेक्निकल और हेल्थ से रिलेटेड। और कभी आपको अगर कोई स्पेशल किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जो ऐप्स मैंने यूज़ की हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू अनबॉक्स नॉलेज।